बात देखें, इन्होंने बहुत गलत बात की। पहले तो इन्होंने दुनिया चैनल पर उंगली उठाई है, इन्होंने पूरे मीडिया पर उंगली उठाई है, ये कहकर ये शाम को यहाँ पर आके बैठ जाते हैं। मैं नाजिम नहीं होता हूँ, मुझे बुलाया जाता है। और पहली बात ये मुसद्दिक मलिक साहब, आप अभी बने होंगे कुछ जो बने, मैं साबिक वफाकी वजीर रह चुका हूँ इस पाकिस्तान में, मैं रुकने कौमी असेंबली बाकायदा मुंतखब कराची NA 249 से बहुत ज्यादा वोट लेकर मुंतखब हो चुका हूँ। तो मेरा सियासी बैकग्राउंड है, मेरे वालिद का नाम शेख लियाकत हुसैन है, वो मुस्लिम लीग के 48 साल तक नायब सदर रहे, और आपके नवाज शरीफ साहब उनके यहाँ रान पर हाथ रखकर उन्हें लेकर आए थे अपने साथ मुस्लिम लीग में। मेरी माँ मुस्लिम लीग की खातून महमूदा सुल्ताना रही है और मुस्लिम लीग ही इंतकाल करके गई है। मेरे वालिद MQM राबता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर रहे बाद में, हमारा पूरा सियासी बैकग्राउंड है। मेरे नाना ने कायद आजम को कायद आजम का खिताब दिया था, और मेरे नाना सरदार अली साबरी थे जिनके नाम पर गोल्ड मेडल आज भी सहाफत में डिग्री लेने वाले को दिया जाता है। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए आप किससे बात करें। कह रहा हूँ जी मौलाना साहब का काम नहीं चल रहा, शाम को यहाँ आ रहे, आप लोगों को आईना दिखाने आ रहा हूँ। आप झूठों को, चोरों को, मक्कारों को, लुटेरों को, डकैतों को, जो पाकिस्तान का पैसा लूट कर मुल्क से बाहर भाग गए, जिनसे सवाल ये किया जा रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, ये पैसा कहाँ से लेकर आप आए थे, सिर्फ आपसे इतना पूछा है कि पैसा कहाँ से आपके पास आया है, ये आप जवाब नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को मना कर दिया कि वो झूठ के लिए कर्जे ना दे, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी बैठ के सारे मामला चला रही है। उन खातून के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। अगर हम यहाँ आकर एक फिर सवाल आपसे सादा कर रहे हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तो आप आमियाना गुफ्तगू कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मौलाना इनका काम नहीं चल रहा है, इनका धंधा नहीं चल रहा। साहब धंधा छोड़ लीजिए, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ साहब, उनको मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने पहले कारोबार सिखाने के लिए भेजा, वो उसमें निगम में निकले, फिर रंगीना साहब के पास भेजा कि अदाकारी सीख लें, वो वहां अदाकारी नहीं सीख सके, उसके बाद उनको क्रिकेट सीखने के लिए भेजा, वो क्रिकेट नहीं सीख सके, अब वो करप्शन भी सही तरह नहीं कर सके, उसमें भी पकड़े गए वो। अगर हम ये बात